आज अभी देखिए हाथ कट गया है, पता नहीं कैसे क्या चीज हो रहा है, हमको कुछ समझे नहीं आ रहा है हमारे जिंदगी में। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों देखिए, अभी मैं घर पर अकेला हूँ और कई दिन तक अकेले ही रहना है। फिलहाल 1 हफ्ता के लिए अकेले रहना है, कोई है नहीं, तो आज मैं अकेला हूँ। तो सोचा घर पर है तो घर पर भी थोड़ा होम ब्लॉग बनाते रहिए, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों आज देखिए, हम जो है आज अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम के बज गए हैं 8, 8:30, और जो है खाना हम खाए नहीं है। सुबह से कुछ बनाए नहीं थे, मैगी और चावल खाए थे। मैगी चावल खाने में अलग स्वाद होता है, मैगी चावल मैंने खाया था। तो फिलहाल देखिए, अभी मैं जो है ये देखिए अंडा लेके आया हूँ, ये अंडा, और ये है गोभी, और ये है मटर। गोभी की भी लोग इसको लेके आ ही। और आज हम देखिए अभी सोच रहे हैं बनाने का गोभी मटर आलू की सब्जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि घर की कंडीशन थोड़ा बिगड़ी हुई है, पर कोई बात नहीं, बैचलर लाइफ है तो सब सब साफ है, हमारे लिए बहुत साफ है। चलिएगा हमारे रूम पे तो और गंदा मिलेगा आपको। फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, चले चलते हैं आलू गोभी की मटर की सब्जी बनाते हैं, शुरुआत ये करते देखिए हैं। जो है हमारा दूध उबल रहा है, दूध आधा लीटर लेते हैं ताकि दूध दूध पिए तो टाइट रहे, कमजोर हो जाएंगे तो दिक्कत ना है। और सही बता रहे, दूधवा सबसे बड़ा चोर होता है, मतलब इसको आप नहीं देखिएगा तो तुरंत वो फेंक देगा, आ देखते रहेगा तब तक ऊपर नहीं आएगा, जैसे छोड़िएगा यहाँ तो आ गया। ओहो बंद हो जा बंद हो जा। और ये रहा मेरा गोभी, और मैं गोभी को जो है काटने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अब किचन में कितना लाइट आएगा। आदमी घर में जो आदमी रहता है, हकीकत बताते हैं, एक व्यक्ति का किचन में और लैट्रिन में, लैट्रिन बाथरूम में हमेशा लाइट कम लगाता है। 0 वाट, 4 वाट, 5 वाट का बल्ब लगाता है खाली, कि बिजली कम खींचे, क्या जरूरत है उधर। तो यहाँ में थोड़ा कम है। हाँ, जिसके यहाँ फ्री का बिजली आता होगा वही लगाता है ज्यादा वाला वाट। अभी मटर छीलने जा रहे हैं। हालांकि सच्चाई बताए, मटर उसी व्यक्ति को देना चाहिए छीलने के लिए जो गुटखा पान वगैरह खाता है, क्योंकि वो गुटखा पान भरा रहेगा तो फिर मटर नहीं खाएगा, वरना बाकी हमारे जैसे लोग मटर छील देता आधा खा जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मटर, टमाटर, गोभी, आलू, प्याज सब काट के एकदम बढ़िया से एक थाली में सजा के रख दिया है। इतना बढ़िया तो फूड ब्लॉगर लोग भी नहीं रखता जितना बढ़िया हम रखे हैं। हालांकि किचन मत देखिए, किचन तो नरके रहेगा, बर्तन बिल्कुल जूठा है, बर्तन भी धोना है। जानती है आंटी जी, आप भी तो वीडियो हमारा देख ही रही होंगी, इतना बढ़िया दामाद आपको नहीं मिलेगा जो पूरा कुल खाना पीना घर का जो बना लेगा, तो आपका बिटिया यहाँ आएगा एकदम सुखी रहेगी। हालांकि क्या भरोसा, कौन जानता है कि हमारे फ्यूचर की सास जो है, हमारे होने वाले सास भी हमारा वीडियो देख रही होंगी। कुछ कह नहीं सकते ना, किस्मत में भाग्य में क्या लिखा है, हो सकता है होंगी, तो इसी ले लेते हैं, ससुर जी भी होंगे उसी में देख रहे होंगे। तो ठीक है, बना दिया हूँ, देखिए अभी जा रहे हैं बर्तन तन धो ले पहले। ए राजा जाई बाजारे ले ले आई दूगो कोको कोला। कढ़ाई में बनाने से फायदा ये होता है ना कि गोभी टूटेगा नहीं, और कुकरवा में बना देते हैं तो कुल गल जाता है, कुल एकदम खिचड़ी बन जाता है। तो भाई मैं स्पेशलिस्ट हूँ, आंटी जी को इम्प्रेस करना है तो भाई बढ़िया खाना ना बनाऊंगा। बस कढ़ाई धो लेने खाली हो जाएगा, कुल बर्तन नहीं धोएंगे, एक तो बर्तन धोता हूँ, लोड नहीं लेता हूँ मैं किसी चीज का, बाकी सब महक गया है यार। ये देखिए दोस्तों, गोभिया को थोड़ा तल दे रहे हैं, तल देंगे तो टूटेगा नहीं ना, खाने में लाजवाब लगेगा, तो मतलब गजब तेलवा सोखत आई तो उसको गल यार, इतना महंगा तेल भाई भैया, इतना कुछ सोखी तो हमारा बनाए कल से गोभी की सब्जी। दोस्तों जब भी गोभी भूजिएगा तो बहुत छटकता है तेल, तभी छटक रहा है मेरे को थोड़ा लग गया है, तो आप लोग सावधानी से थोड़ा छोपिएगा। सैया जी बिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। तो देखिए अभी हम जो है लहसुन और मर्चा डाल दिए हैं, तो लहसुन मर्चा भी गर्म हो रहा है, तो जैसे गर्म हो जाएगा उसके बाद आपको प्याज डालना है, प्याज भूज देना है, प्याज डालने के बाद जो है आपको आलू डालना है, फिर गोभी भी डाल दो, सब बन जाएगा। बस देखते रहिए आप, ये देखिए अभी मैं प्याज डालूंगा, ये देखिए प्याज जो है प्याज हो गया। अब आपको अब मैं सोच रहा हूँ कि आटा भी सान लूँ, क्योंकि आटा आटा सान के रखूंगा तो दोनों एक साथ बनते रहेगा। तो ये इधर हो गया, और ये हो गया चौकी बेलना, तो इधर सबको मैं ले लेता हूँ आटा। तो देखिए आटा ले लिए हैं, अब फटाक से आटा सानेंगे, और ये जो मटर भी लगता है, मटर बुझा गया है, प्याज मटर को बुझा रहा है अपना। आज दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। आटा देखिए दोस्तों, जब आप अकेले रहिएगा तो आटा थोड़ा सा ज्यादा लेके सान लीजिए, क्योंकि ये क्या फायदा क्या होता है कि कल भी नहीं सानना पड़ेगा, मतलब आज सान लूंगा, जितना बनाना होगा बनाऊंगा, फिर फ्रिज में रख दूंगा,
फिर कल बना लूंगा, ये फायदा है। सब्जी भी एक्स्ट्रा बना लिया हूँ कि कल भी खा लूंगा, सुबह भी खा लूंगा, बचेगा तो शाम को भी खा लूंगा। लोग कहते हैं कि हम आटा बहुत तेज सानते हैं, हमारा दोस्त यार बहुत बोलते हैं कि आटा फाटा बहुत तेज सानता हूँ, मेरी आदत है। ये देखिए दोस्तों, देखिए हमारा आटा सना गया, कितना बढ़िया साना हुआ, एकदम गिलू गिलू, एकदम गदगद गदगद दब भी रहा है। और ये सब्जी बन रहा है, इधर गोभी काट कर रख दिया हूँ, टमाटर टमाटर रखा हुआ है, सब प्रोसेस में है। नमक जो है दोस्तों अपने स्वाद अनुसार डालना है, जितना आपको लगे कि इतना डलवा चाहिए उतना हिसाब से डालिएगा। जो ज्यादा नमक खाता है ज्यादा डाल दे, जो कम खाता है कम खाए, क्योंकि नमक कम से सुना हड्डी डिगलता पतरा कितना सही हमको नहीं पता, पर होता है थोड़ा बहुत। और मेरी मम्मी भी हो सकता है वीडियो देखेंगे, जाने रहे हैं क्योंकि क्या कर रहा है, इसमें दिख जाएगा घर में क्या हो रहा है, देख लीजिएगा। गोभी की सब्जी बना रहे हैं, हालांकि मेरे घर वाले भी कोई कोई वीडियो देखते हैं, सर कहे एकदम कार्टून है। नमक हो गया, हल्दी डाल दें दोस्तों, हल्का सा हल्का हल्दी, उसके बाद बहुत होकर डलाएगा मसाला डाल दी, लाल मिर्चा भी डाल देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि लाल मिर्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे जो बीमारी होता है बाबा तीर वाली, पर ठीक है थोड़ा बहुत खा सकते हैं। दोस्तों आप हमारा देख सकते हैं, जो है सब्जी भी तैयार होने वाली है, वो एक तरफ से सब्जी बन रहा है, दूसरी तरफ हम सोच रहे थे कि रोटी भी बना ले अपना, दोनों काम हो जाएगा। तो सब्जी लगभग तैयार हो गई है, बाकी रोटी देखिए अभी हम जा रहे हैं बनाने के लिए। देखिए हमारे घर में ये है ना कि जब भी खाना खाना चाहिए तो रोटी वोटी कभी गीन के नहीं खाना चाहिए, कितना रोटी हम खा रहे हैं क्योंकि आप खाइए चाप के, कभी गिना नहीं जाता है और गिनना भी चाहिए भी नहीं। इसके मम्मी मैं चार रोटी खा ली अब नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप खाइए जितना आपका जगह पेट में चाप के। देखिए आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत खाना बनाने आना चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी में कब कहाँ अकेले आपको रहना पड़ जाए कोई नहीं जानता है, तो हर सिचुएशन के लिए आपको धीरे धीरे तैयार हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या है कि बाहर वाले हैं तो रूम पर खाना अगर अभी बनाए हुए हैं, बैचलर लाइफ जिंदगी जिए हुए हैं, तो जो है थोड़ा बहुत अपने को खुद को इतना तो आना ही चाहिए कि खुद को जो है खाना पीना बना कर आ सके, भूखे ना रहना पड़े आपको। तो देखिए रोटी वोटी तो गोल गोल बनाइए रहे, क्या दिक्कत है, कम से कम हमारी बीवी आएगी खाना नहीं बनाएगी तो कहूँगा हम तो खा लेंगे बना के, भूखे तो नहीं रहेंगे। हमारे क्या भरोसा, कहिया गुस्सा आ जाएगी कहेगी खाना नहीं बनाऊंगी मैं, आ जाओ भैया भूखे मरला से बढ़िया है कम से कम तनी मनी कुछ आवे आदमी बना ले, है कि नहीं। अंकल जी देख रहे हो तो जान ही रहे होंगे, कई बार आंटी जी गुस्सा जाती है तो क्या करते हैं, अब तुम मनाते हैं या फिर बारी लेके जाते हैं। रोटियां फूल गया बनाते हैं ना कि आप लोग मुंह में जाते गल जाएगा तुरंत, बहुत पसंद करिएगा आप लोग, कहीं विश्वास में तो बुलाइए इन्वाइट करिए तभी से खाना ना बन। हाँ किसी को बावर्ची वर्ची चाहिए होगा तो बताएगा, मैं हूँ बढ़िया खाना पीने बना दिया करूंगा, पैसा दे देना महीने का उनको, रोज आके बनाते हैं टाइम पे। जीवन में एक चीज हमेशा जान लीजिए कि व्यक्ति नखरा तभी तक करता है जब तक वो घर में अपने रहता है, जब तक आप अपने घर में रहिएगा ना अच्छा तरह से नखरा करिएगा, मम्मी ये मैं नहीं खाऊंगी, ये कच्चा है, ये रोटी जल गया है, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे आप जीवन में बाहर निकलेंगे, मतलब बाहर कॉलेज लाइफ में गए या फिर कहीं और रहने के लिए गए, फिर समझ में आता है कि जो घर होता है ना वही अपना होता है, वहां तो आपको जो मेस में दे देगा कच्चा पकल वही खाना पड़ेगा, कहाँ क्या बोलिएगा, मत खाइए जाइए भूखे रहिए नहीं करिएगा, कितना दिन बाहर खा लीजिएगा। यही होता है कि हर जगह हर चीजें एडजस्ट करना आदमी को सीखना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं आप हमारा, ये देखिए रोटी बना के एकदम पूरा फिट फाट बना लिया हूँ, तैयार कर दिया हूँ रोटी, और साथ में ये देखिए हमारा आलू गोभी मटर का सब्जी, आह हा गमक रहा है, एक नंबर लाजवाब बना हुआ है। ये दोस्तों अंडा के लिए भी सब सिस्टम काट कूट के तैयार कर लिए हैं, मर्चा है, प्याज है, टमाटर है, नमक है, तेल है, उधर अंडा है, इधर कढ़ाई है, और इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा अलग रहता है, मतलब छुआया नहीं जाता है नॉनवेज वगैरह, कि नॉनवेज अलग बनेगा वेज अलग बनता है, तो अलग है इसका बर्तन सर्तन, तो इसको अलग से बना रहे हैं। जब आप बैचलर लाइफ में चले जाइएगा, जब आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, हो तो गया ही है बहुत लोग का, तब आप वहां रहिएगा, तब फिर सब कोई नहीं देखता है कौन क्या है कुछ नहीं है, भूख लगा हुआ है खाना मिलना चाहिए आदमी खा पी लेता है, बहुत लोग देखते भी है, हालांकि बहुत क्या बहुत कम बच्चे देख पाते हैं, हमारे जैसे बच्चा तो कभी नहीं देख पाता है, बर्तन फर्तन का कुल हुए बर्तन दो चार बर्तन हुए कुल बनाओ कि वही बनता है, और हम तो दिन भी नहीं देख पाते हैं कि कौन सा दिन क्या खा ले रहे हैं। हाँ जब याद रहता है तो नहीं खाते हैं, लेकिन नहीं याद रहता है तो
खा लेते हैं। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है अंडा आलू गोभी का सब्जी और रोटी जो है एकदम बनकर तैयार हो गया है। देखिए एकदम अब जा रहे हैं ठूसने के लिए, बहुत तेज मालिक भूख लगा हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन बना है, देख सकते हैं आप, देखिए पूरा एकदम बना दिए एक नंबर। चलते हैं खाने के लिए, बहुत तेज भूख लगी हुई है, खाना एकदम बन गया है, एकदम बढ़िया बनाए भी हैं पहाड़ जिसन की, खाएंगे दबा के। और ठीक है खाना अच्छा लगा, बढ़िया पहली बार गोभी की सब्जी भी बनाया, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। चलिए देख लें एक नंबर, बहुत बढ़िया बनाया। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी देखिए अच्छा लगा होगा आप लोग को हमारा गोभी वोभी का रेसिपी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंडा भी बना है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अंडा क्या सब्सक्राइब करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब खाली है तो सोच रहा हूँ वीडियो वीडियो भी डालते रहूंगा, तो आप लोग भी देख के मनोरंजन होगा, थोड़ा आपको भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा, कुछ आप लोग भी नया सीखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव, नहीं महादेव का नाम नहीं लेंगे, अंडा खा रहे हैं, स्वस्थ रहिए है।